हमारे साथ अब और एक खास मेहमान जुड़े हैं, मिहिर वोरा हमारे साथ इस बीच मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिहिर, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, ये जो मॉरिशियस टैक्स ट्रीटी कल इसकी जो घोषणा हुई है, ऑब्वियसली मार्केट को एक नीजक रिएक्शन देना था, वो शायद इसने दे भी दिया शुरुआत में, बट दिस वॉज बाउंड टू हैपन। एंड इनफैक्ट जिस तरह का वक्त मार्केट को दिया गया है टू कम ऑन टर्म्स विद दिस, और ऊपर से ये जो दूसरी खबर है दैट यू नो मॉनसून इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 106% ऑफ द नॉर्मल एवरेज, और वो 10-15 दिन जल्दी भी आ सकता है, क्या ये एक बहुत अच्छी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है इस मार्केट के लिए? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो मॉरिशियस टीटी का रीवर्किंग है ये लॉन्ग टर्म में तो होना ही था, एंड देयर इज इनफ टाइम दैट हैज बीन गिवन, सो मीडियम टर्म में ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। इन द लॉन्ग टर्म प्रॉबेबली थोड़े जो आर्बिट्राज रेट्स हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, इसमें इंडियन आर्बिट्राज को भी शायद फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये थोड़ी एक जो छोटी सी क्लैरिफिकेशन करनी होगी कि ये जो ट्रीटी की रीवर्किंग है उससे और ये गार इम्प्लीमेंटेशन जो है उनका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, वेदर विल बी क्लैरिटी ऑन दैट। मेरे ख्याल से ये अनाउंसमेंट अभी आई है तो नेक्स्ट थोड़े दिनों में ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी, तो इसका मीडियम टर्म में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। मार्केट ने जो थोड़ा करेक्शन दिया है वो एक शार्प अपमूव के बाद माइनर करेक्शन था, तो मेरे ख्याल से अब मैं ये बोलूँगा मार्केट इज़ इन अ नो मैंस लैंड, एंड अब जो नॉर्मल रिजल्ट्स सीजन जो है उसके हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स रहेंगी।